हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ यह है कि जो पिक आई थी टैंक की, उसमें उसका डिजाइन नहीं था आर्मी वाला, लेकिन अपडेट के बाद आ गया। तो गाइस, अपडेट के बाद हमारे 4040 चीट कोड से कुछ ऐसा दिखता है टैंक, लेकिन अपडेट के पहले ये कैसा दिखता था? तो जब इसकी पिक आई थी गाइस, तो ये कुछ ऐसा दिखता था। इसके ऊपर आर्मी डिजाइन नहीं था। हो सकता है तब ये डेवलपमेंट में हो, इसलिए ये आधा अधूरा होगा, उसके बाद ये पूरा कर दिया गया है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि अगर हम एक बाइक स्पॉन करें, फिर स्काईफॉल करें उस पे, तो उसको ब्लास्ट करेंगे ना, तो वो गायब नहीं होगा। तो गाइस, आ चुकी है हमारे सामने बाइक। ठीक है, इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेते हैं और बाइक से चिपक के हम लोग स्काईफॉल लगाते हैं गाइस, और ऑप्शन भी हमें साथ में दबाना है। अरे यार, ये वाला हो गया क्या? ठीक है, हम उतरते हैं इस पे और अब इसको हम लोग ब्लास्ट करते हैं। शायद हमें दूसरा वाला स्काईफॉल करना था, जिसमें हम लोग इसके ऊपर बैठते नहीं है और दूर गिर जाते, लेकिन ये वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। फोड़ते हम लोग बाइक को, अब रुकते हैं थोड़ी देर और देखते हैं क्या ये गायब होता है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि गायब हो जाएगा। आपको क्या लगता है गाइस? अरे भाई, क्या बताऊं मैं? और ये गायब हो गया, मैंने बोला ही था। हो सकता है हमने गलत कर दिया हो, इसलिए अब हम गिरा के करेंगे यही सेम चीज़ गाइस। ये देखो, जो बाइक है ना, इसको गिरा के स्काईफॉल करोगे तो अलग ग्लिच होता है। तो अब ये वाला करेंगे हम। इस वाले में हम लोग बाइक से थोड़ा दूर गिर जाते हैं और इसमें घोस ग्लिच भी लग जाता है, जहाँ पे आप इनविजिबल गाड़ियों के आर पार जा सकते हो। तो हो सकता है इसमें वो काम करे, तो आओ इसको फोड़ते हैं। और एक और चीज़ देखो कि मेरी बाइक अपने आप खड़ी हो गई थी, इसमें ऐसा भी होता है। तो गाइस, हमने मार दिया आरपीजी इस पे। अब वेट करते हैं और देखते हैं क्या ये गायब होती है कि नहीं। तो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन ये जो बाइक है ना, ये गायब नहीं हो रही है गाइस। तो इसका मतलब ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम नॉर्मली एयरपोर्ट पे अपनी बाइक को ठोकते हैं जाली पे, तो हम लोग नीचे गिर जाते हैं बाइक से, लेकिन अगर हम ब्रेक मारेंगे ना, तो हम लोग बाइक से नीचे नहीं गिरेंगे। तो एयरपोर्ट की जो जाली है, इसमें से बाइक ले जाओगे तो नीचे गिर ही जाओगे। तो हम लोग ब्रेक मार के देखते हैं क्या नीचे नहीं गिरेंगे हम लोग। ये लेके गए और ब्रेक शायद से मेरा लगा नहीं, और ये होता है, देखो जो बता रहा था ना, यही होता है कि हम नीचे गिर जाते हैं। अगर मेरा ब्रेक सक्सेसफुली लग जाए तो देखते हैं क्या होता है। चलो सेकंड अटेम्प्ट गाइस, इस बार ब्रेक थोड़ा पहले ही लगा दूंगा मैं, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आए, ब्रेक लगा दिया, और ये देखो हम लोग नीचे नहीं गिरे गाइस, आराम से चाली के आर पार आ गए। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि डायनासोर के साथ ट्रेन में टक्कर मार के गायब होने वाला ग्लिच हॉर्स के साथ भी होता है। तो हॉर्स मैंने खड़ा कर दिया सामने, इन्फिनाइट हेल्थ लगा ली है, ट्रेन को बुलाते हैं आगे। शायद से ट्रेन मैंने सही दबाया नहीं, पहले इंजन दबाना था, इंजन के बाद ही फॉरवर्ड दबाओगे तो ही काम करती है। अब आएगी, ठीक है, आ गई। तो हम लोग को सामने रहना यार, थोड़ा सा साइड हो गया मेरा हॉर्स, जल्दी बीच में आ जा। ठीक है, अब डायनासोर वाला ग्लिच हमने ऐसे किया था कि हम लोग को इसकी तरफ खड़े रहना था, फिर हमारा बंदा ट्रेन के अंदर घुस जाता है, लेकिन ये तो मुझे बाहर धक्का मार रहा है भाई, ऐसे काम नहीं होगा। हो गया शायद, हो गया। अरे बस कर भाई, ये देखो मेरे बंदे की आवाज़ तो मुझे आ रही है, लेकिन वो गया कहाँ पे यार? ट्रेन के अंदर फंस जाता है क्या वो? क्योंकि आगे भी नहीं है, यहाँ पे भी गिरा पड़ा है नहीं, और मैं बन चुका हूँ गाइस प्रॉपर हॉर्स। अब मैं जाके घास खाऊंगा। नहीं, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग हॉर्स बन चुके हैं और काफी अच्छे से हम लोग टहल सकते हैं ऐसी। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि फॉर्च्यूनर और हॉर्स पर एक साथ बैठो फिर देखो मैजिक। तो गाइस, बुलाते हैं पहले फॉर्च्यूनर को। ठीक है, 1000 की चीट कोड है फॉर्च्यूनर की, और हॉर्स को बुलाते हैं इसके बगल में, जिसका चीट कोड है 200। हॉर्स को खड़ा कर दिया मैंने फॉर्च्यूनर के पास। अब पास में जाते हैं, दोनों में बैठते हैं, और ग्लिच हमारा क्या हुआ है कि हम लोग हॉर्स के अंदर बैठ चुके हैं। भाई ये कैसा बैठा है? ये तो ऐसा बैठा है जैसे हॉर्स से ना गिरने वाला हो। सही में ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी देर में गिर ही जाएगा, साइड से गिरने वाला है, लेकिन हॉर्स इसको गिराएगा नहीं, और काफी ठीक ही लग रहा है, अच्छा खासा ग्लिच है ये। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप 6666 वाली कार स्पॉन करते हैं, उसके पास जाकर खड़े हो जाएंगे तो होगा मैजिक। तो 6666 तो उचकती है ना, रेंज रोवर। जल्दी से गए इसके पास, और मुझे तो मैट दिख गई थी थोड़ी देर के लिए अच्छी खासी, लेकिन ये क्या हुआ, हम लोग नीचे फंस चुके। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है यार कि उचकी, हम इसके नीचे आके, और नीचे से हम लोग सारे अंदर के पार्ट में से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि मून ग्रेविटी एक्टिवेट करके साइकिल स्पॉन करो और फिर पीछे की तरफ पैडल मारो, तो देखना। तो आ चुकी है साइकिल गाइस, मून ग्रेविटी लग चुकी है, हमें अब पीछे की तरफ पैडल मारना है। और ये कैसे घुमा रहा है? ये तो अल्ट्रा फास्ट घुमा रहा था भाई, पता नहीं क्या हुआ, शायद से इसका पैर फंस गया था पैडल में, लेकिन अब नॉर्मल हो गया। तो स्टार्टिंग में कुछ देर ऐसा करता है,
तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर आप वेलोसिराप्टर और एटीवी में एक साथ बैठोगे फिर उतरोगे तो आपको एटीवी का ऑप्शन आता ही रहेगा चाहे आप कितने भी दूर चले जाओ। ठीक है गाइस, तो बुलाते हैं पहले एटीवी को जिसका चीट कोड है 2222 और वेलोसिराप्टर का है 5050। अब दोनों में हमें साथ में बैठना है। ऑप्शन आ जा, ठीक है आ गया। और ये बैठ गए हम लोग साथ में। अब एटीवी चल रही है, ठीक है आ गए नीचे। अब मुझे एटीवी का ऑप्शन आते रहेगा है ना। ठीक है दूर 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 जा रहा हूँ, आ रहा है अभी भी आ रहा है, काफ़ी दूर तक आ रहा है। अच्छा अब हम कितने भी दूर चले जाना तो हमें ये ऑप्शन आता ही रहेगा और फिर हम जैसे एंटर दबाएंगे ना तो आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ से आप एटीवी में डायरेक्ट जाके बैठ जाओगे। गाइस ये अब हम ट्राई करते हैं, काफ़ी दूर आ चुका हूँ वैसे मैं। अब एटीवी को देखते रहो, ये देखो क्या तो मैजिक था गाइस, सीधे आके एटीवी में बैठ गए हम लोग कितने भी दूर से, लेकिन अभी भी ये बैठा नहीं है, कुछ तो खतरनाक ले चुका भाई। ये कैसा दिख रहा है, ये आगे की तरफ इसके हाथ पैर कैसे हो गए यार, पीछे की तरफ बिल्कुल आगे की तरफ लटक गया है, ऐसा लग रहा है कि रॉड लटका के लटका दिया इसको। और अलग ही अब तो आगे जा रहा है, इसको अगर मैं दीवार में ठोकूं तो क्या होगा, दीवार में घुसेड़ के देखते हैं इसको। ये देखो अंदर भी चले जाएगा यार ये तो, जबकि हम हैं बाहर। पता नहीं भाई क्या तो ग्लिच होते हैं इस गेम में। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप बाथरूम के बाथटब पर चलोगे तो आप पानी के ऊपर खड़े हो जाओगे। तो हमारे घर में तो है बाथटब वैसे और उसमें पानी भी भरा है, लेकिन मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया कभी ऐसा। चलो इसके ऊपर खड़े होके देखते हैं। हाँ यार ये तो पानी है और ये बंदा मतलब पानी के ऊपर खड़ा है यार, ये कैसे हो सकता है कि ये पानी के ऊपर ही खड़ा है। ये देखो गाइस क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि जब हम 10 बाइक की फ्लैशलाइट ऑन कर दें फिर डे करें तो आरजीबी कुछ अलग ही चमकता है। तो मैंने लगा दिया है इन्फिनाइट लाइट ग्लिच गाइस। ठीक है अब हम लोग बुलाते हैं कोई सी भी कार को जैसे कि 900 वाली और इसको करते हैं आरजीबी, फिर देखते हैं कैसा अलग चमकता है ये। हाँ यार अलग तो लग रहा है, वैसे अलग लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है ये सही में, बिल्कुल एक अलग ही पैटर्न आ रहा है। और आप पास से देखोगे ना तो एक लाइन वाला पैटर्न भी आ रहा है इसमें। कोई सी बड़ी गाड़ी पे करके देखते हैं तो और अच्छे से दिख जाएगा। फॉर्च्यूनर पे करके देखते हैं 1000 की चीट कोड से, इसको करते हैं आरजीबी क्योंकि इसमें अलग दिखेगा। और बाकी कलर देखो, बाकी कलर तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ आरजीबी दिखता है। और इसका पैटर्न देख रहे हो, आपने जो पैटर्न देखा ना कैसा अलग ही पैटर्न दिख रहा है, जिसमें टायर तो वाइट है पैटर्न कुछ अलग आ रहा है। और येलो ब्लू रेड ये तीन कलर ही, वैसे आरजीबी तो यही होता है लेकिन उसमें और अच्छे से दिखते हैं ना थोड़े कलर। तो गाइस ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप किसी भी व्हीकल को ब्लास्ट कर दें फिर कलर चेंज ऑप्शंस पे जाके वेट करें तो जब व्हीकल गायब हो जाएगा तब मैजिक होगा। ठीक है तो हमने ब्लास्ट कर दिया एक व्हीकल, चलते हैं। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, मैं कैसे आउट हो गया, फिर से करते हैं गाइस। शायद से मैं थोड़ा सा जल्दी कर बैठा, इसको पहले मारते हैं फटने देते हैं और अब चलते हैं इसके पास। अब इसको करेंगे हम लोग आरजीबी करना है, नहीं मतलब कुछ भी कर देना है ना। ठीक है कलर चेंज पे आ गए और अब हमें वेट करना है जब तक ये डिस्पॉन नहीं हो जाती। तो ये डिस्पॉन हो चुकी है और आप देख सकते हो गैलरी में अभी भी ऑप्शन है यार कलर चेंज का, मतलब हम किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं क्या। अब ट्रेन के पास आते हैं, नहीं हो रहा ट्रेन तो नहीं हो रहा। ठीक है किसी और चीज़ के पास, एनपीसी का कलर चेंज, वैसे वो तो पूरा कैरेक्टर ही चेंज होगा। बिल्डिंग का कलर चेंज करके देखते हैं, बिल्डिंग के पास कलर चेंज करके देखते हैं हम लोग। इसका कलर चेंज नहीं, इसका पेंट भी चेंज नहीं हो रहा यार, मतलब ये सिर्फ नाम के लिए, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और आपके जो भी सारे मिथ्स है गाइस वो कमेंट कर दो नीचे ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछले मिथ बस्टर्स की वीडियो देखनी है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।